फर्रुखाबाद में पुलिस ने मनाया ध्वज दिवस। पुलिस ने लाल नीले रंग के पुलिस के ध्वज को 23 नवंबर 1992 को उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किया गया था। ध्वज 23 नवंबर को ध्वज प्रदान करने को लेकर पुलिस ने मनाया ध्वज दिवस। पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मचारी गणों के साथ पुलिस ध्वज दिवस मनाकर पुलिस ध्वज दिवस की स्थापना की जानकारी दी। फतेहगढ़ के पुलिस लाइन में मनाया गया ध्वज दिवस। लाल एवं नीले रंग के ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान दी है। किसी संगठन का ध्वज उसकी शान एवं पहचान होता है। ध्वज का महत्व आदिकाल से वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय अविस्मरणीय रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उनके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है। इसके उपरांत मुंबई पुलिस पुलिस कमिश्नरेट को 1954, महाराष्ट्र पुलिस को 1961, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को 2003, तमिलनाडु पुलिस को 2009, हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं गुजरात पुलिस को 2019 में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यह ध्वज हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। पुलिस ध्वज को फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें स्वाभिमान एवं गर्व की अनुभूति होती है। हम सभी में कर्तव्य निष्ठा की नई ऊर्जा संचारित होती है। यह ध्वज हमें नए जोश और उत्साह के साथ कर्तव्य पालन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।